साथियों, अब तक आप 303 रिकॉर्ड देख चुके हैं और अब बात करते हैं रिकॉर्ड नंबर 304 की। भारतीय इतिहास में पहली बार यात्री ट्रेनों को पूरी तरह से रोका गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसे लेना आसान नहीं था, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी इस कड़े फैसले को लेने से भी नहीं चूके और जनता ने भी उनका भरपूर साथ दिया। भारत में पहली यात्री ट्रेन 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। इसके बाद से लेकर आज तक लगातार यात्री ट्रेनों में इजाफा ही होता चला गया, लेकिन कभी भी इन ट्रेनों पर पूरी तरह से रोक नहीं लगी। यहां तक कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी ये यात्री ट्रेनें चलती रहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जानते थे कि कोरोना से निपटने के लिए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना जरूरी है, इसलिए उन्होंने इस सख्त फैसले को लेने में जरा भी देरी नहीं की। गौरतलब है कि भारत में हर रोज 12,000 से अधिक यात्री ट्रेनें चलती हैं। इनमें 2.3 करोड़ यात्री रोजाना सफर करते हैं। ऐसे में कोरोना के तेज संक्रमण को रोकने में इस फैसले से बहुत बड़ी मदद मिली।